वही सूखी रोटी, वही दाल, वही सूखी सब्जी। अरे देखो बच्चा रो रहा है, चलो देखते हैं। अरे चलो चलो देखो बच्चा मर गया, बच्चा रो रहा है। चलो चलो देखते हैं, चलो 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 जल्दी चलो। बच्चा कैसे रो रहा है, कौन छोड़ के चला गया, कौन हो सकता है, चलो देखते हैं। हे भगवान, ऐसे कौन छोड़ के गया बच्चे को? होगा नहीं नहीं बेटा, मात्र मात्र। अरे अरे ये तो लड़का है, लीजिए। अरे ऐसे चांद से टुकड़े को कैसे छोड़ कर गया होगा? सुनिए, भगवान ने हमारे लिए ये बच्चा भेजा है, हम इसे गोद ले लेंगे। ऐसे कैसे, सबसे पहले बच्चे को मैंने देखा, मैं ही पालूंगा। देखिए आप लोगों को बच्चे पालने की आदत नहीं है, मैं 8 बच्चों का बाप हूँ, इसे तो मैं ही पालूंगा। सबसे पहले बच्चे ने मुझे देखा है, मैं ही पालूंगा। देखिए आप लोग क्यों आपस में लड़ते हैं, आप सबको ये बच्चा पसंद है ना, हम सब मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। अब बच्चे के लिए एक अच्छा सा नाम सोचो। नारायण? नहीं नहीं अच्छा नहीं है। सुनिए इसका नाम गोपाल रखते हैं। सुनो, वो नाम तुम अपने होने वाले बच्चे का रखना, इसका नाम तो रामू रखेंगे। नहीं नहीं इसका नाम जोसेफ ही रखेंगे। ए, आप लोग इसे पुराने जमाने का नाम मत दो, कल हम लोग अलाउद्दीन सिनेमा देखकर लौट रहे थे तब ये हमें मिला, इसीलिए उसका नाम हम लोग अलाउद्दीन ही रखेंगे। बिल्कुल सुंदर नाम है। अलाउद्दीन नाम रख दिया। अलाउद्दीन तू हम सबका दुलारा है। हाँ, दुलारा है ये मेरा बेटा। मलिका एक खुशखबरी है, मुझे नौकरी मिल गई। ये सब अलाउद्दीन की वजह से हुआ है। अलाउद्दीन हमें बहुत रास आया। अले ले ले घर में कौन कौन है, राशन कार्ड की गिनती करनी है। मैं, मेरी पत्नी। ओ नाम बताओ यार। त्यागराज, सुशीला, रानी और ये अलाउद्दीन। सुंदरम, मल्लिका और ये अलाउद्दीन। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के नाम आरती कीजिए, प्रार्थना करो के बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। शाबाश। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अलादीन। मुस्लिम हो? नहीं। तुम्हारे माँ बाप का नाम बताओ। गणपत, सरोज, सावित्री, नारायण, राजा भाई, साई राबानो, गोपाल, रानी, पीटर, एडवर्ड, जोसफिन, तंगप्पन, करुणा, राम। अरे अरे ये क्या, ये हमारे कॉलोनी का लड़का है, हम सब मिलकर इसकी परवरिश करते हैं। आपके बस्ती में ऐसा सब चलेगा, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए धर्म जाति सब चाहिए। माँ बाप का नाम पूछा तो क्या आप सब का नाम बताएगा, इसे कौन से धर्म में शामिल करूं? हम यहाँ शिक्षा दिलाने लाए हैं और आप उसके मन में भेदभाव डाल रहे हैं। इस बच्चे में अपने आप से ही बहुत अच्छे गुण हैं। आप इसे क्यों बिगाड़ रहे हो? चलो बेटा, ये दुनिया को देखकर तुम खुद ही शिक्षा पाओगे, चलो यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर, कल मेरे बेटे ने आपकी बेटी को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देखा, उसे बहुत पसंद करता है, यदि आप हाँ कहें तो एक शुभ दिन देखकर हम दोनों रिश्ता पक्का कर दें। आप वजन कम करने के लिए भागते ना? हाँ। कुछ लोगों को बिना दौड़ लगाए वजन कम हो जाता है। कैसे? वहाँ देखो। देखो बॉस आ गए। सर कल रात के प्रोग्राम में यही लोग आपकी बेटी के साथ बात कर रहे थे। हाँ। अच्छा ये 4 हैं, इन सब की कितनी प्रॉपर्टी है पूछा? हाँ, ये जो पहला खड़ा है इसकी जोड़ घटाकर कुल 50 लाख। बस इतना ही है? हाँ। ए, मारो इसे। ओ, 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 इस गुलाबी शर्ट वाले की कितनी प्रॉपर्टी है?
इसकी टोटल वर्थ दो करोड़ है सर। बस 2 करोड़? ए, इसे भी मारो। सर आप जैसा सोचते हैं वैसे मैं करोड़पति या लखपति नहीं हूँ, एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं आपकी बेटी से फ्रेंडशिप करना चाहता। अरे पहले तो फ्रेंडशिप ही करते हैं फिर मिलना शुरू करते हैं, बाद में प्यार हो जाता है ऐसा बोलते हैं। जब घर वालों की बिरादरी में नाक कट जाती है तो लड़की को घर में लाके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम सुधर गए, हमारा प्यार महान है। अरे तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में तो ऐसे भी बेवकूफ हैं जो अपनी जुबान भी कटवा देते हैं, किडनी भी दान कर देते हैं, लीवर भी दान कर देते हैं, आंखें भी दान कर देते हैं, अपनी नहीं अपनी माँ की भी दान कर देते हैं। अरे मूर्खों मेरी बात ध्यान से सुनो, ए पागल, ए इन लोगों की ऐसी धुलाई करो कि प्यार नाम का शब्द ही भूल जाए। प्यार की नस कहाँ होती है सर? अरे कमर के नीचे की खाल उधेड़ दो। ए, चलो सबकी धुलाई कर दो। बेटा तुम्हें मेरी बेटी पसंद है ना, तो अपनी दौलत का हिसाब किताब नहीं बताया तुमने? अरे ये तो गायब ही हो गए। अमाउंट के हिसाब से धुलाई हो रही है ना, फिर क्यों रुकेंगे वो? पता नहीं आपकी पसंद का दामाद कहाँ होगा। जरूर मिलेंगे। उनके पास मेरे बंगलों की तरह 100-100 बंगले होंगे, उसके रिश्तेदार टाटा बिरला की तरह बड़े बड़े रईस होंगे, बैनर दे रहे, उसके रेस में घोड़े होंगे। ए बिरला, हमेशा होटल में 4 चाय बोलना जरा। ए, इंडिया के 10 रईसों में से वो एक होगा, उसके हाथों में लाखों पैसे खेल रहे होंगे। ए, क्या देख रहा है? देख रहा था कि असली है कि नकली। एक नोट लेके इतनी अकड़? एक नोट है तो क्या हुआ, मेहनत भी कमाई है। तुम आओ इधर। मौसी के लिए चावल और नारायण दादू के लिए दवाई और जोई के लिए किताबें। क्यों अलादीन, बजट सेट हो गया क्या? अबे सेट कर रहा हूँ। इस बात पर तो जश्न होना चाहिए। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा? नहीं यार, तू आज एक दिन का नेता है। अलादीन, एक वोट का 100 रुपया, वो उन लोगों ने 1000 लोगों को बुलवाया है, उसका हमने एडवांस भी ले लिया है, ये नाच गाना उसी खुशी में। रुको, ए, क्या ये वही आदमी है? हाँ नेताजी। ए, ये कैसे 1000 लोगों को लेके आएगा? ये तो हजारों में एक है। क्या तू यहाँ का दादा है? नहीं नहीं। तो फिर तुम क्या सुपरस्टार हो? बिल्कुल नहीं। ए, क्या जात वालों का संगठन है? ऐसी गलती हम नहीं करते। तो तेरी बात 1000 लोग कैसे मानेंगे? फॉलो मी। ए नेता, 1000 में 1 का मतलब नहीं समझा? अब देख। इतनी सारी माएं हैं। अरे तो कुछ नहीं, तो अब देखो नहीं इसके बापों को। पिताजी, हाय डैडी। पंडित जी वहाँ कम करो, आंखें जलेंगी ना। जी सीएम आया। मैंने आपके आदमी को इस इलेक्शन में सीट नहीं दी, मुझसे गलती हो गई। तुमने तो कहा था कि आप लोगों की बस्ती और तो राजनीति की राजधानी है, ऐसा लड़कर गए थे ना, लेकिन उसी बस्ती में इंडिपेंडेंट ही खड़े होकर जीते हैं हमारे नेताजी। आप लोगों की पुंगी बजा दी ना। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने आया हूँ, आप इसमें से जो मंत्री पद चाहिए उसे स्वीकार करें, आपकी पसंद जो भी है ले लीजिए। सीएम सीट
उस दिन तो तुम मुझसे लड़ कर गया था, आज शांति दूत बनकर मुझे बेवकूफ बनाने आया है। मैं तेरी तरह पैसा कमाने और रईस बनने राजनीति में नहीं आया हूँ। तू जिस गद्दी पर बैठकर राज करेगा वो तो मेरी जेब में होगा, समझ गया? चलो। ए, तू क्यों डरता है? ओहो, सीनियर को सीएम पोस्ट में बैठने की इच्छा है, वो वैसे ही तेरी पोस्ट नहीं लेंगे। जा जा, तेरी पोस्ट की इच्छा तो मैं तक नहीं करूंगा। मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, अगर वर्दी चली भी गई तो पेंशन मिलेगा, उसी से जी लूंगा। तू तो जी का बिनामी है, अगर इस जायदाद वापस ले लेंगे तो भिखारी से बदतर हो जाएगा, याद रखना। ऐसा तू सोचता है लेकिन तुझे मेरी इच्छा का पता नहीं। जैसे मैं जी के करोड़ों की जायदाद का वारिस हूँ, वैसे मैं सचमुच की किसी करोड़पति की बेटी से शादी करके जिंदगी आयशो आराम से गुजारूंगा। वो मिल गई? किसी जगह में तो जरूर होगी ना। वाह क्या खुशबू है, बस दे दो ना। ये लो बेटा खा लो। भरपेट खाऊंगा मैं। आज हमारी बारी है इसलिए खाने की ऐसी खुशबू है। ये ले, ये हाँ, ये। अरे गले का डॉलर कहाँ है? अपनी कमला मामी की बेटी है ना अंजू, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे इसलिए मैंने डॉलर गिरवी रख दिए। कर्ण के कवच कुंडल की तरह थी वो, गले में कितनी जचती थी। तुमने उसे क्यों गिरवी रखा? ऐसी भी क्या बात है, पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेता, मैं नहीं देता क्या? नहीं, पगार लेते ही सबसे पहला काम यही करूंगा, आप रख लो। हम आपके हैं कौन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सेठ जी, आओ। ये लो सेठ 500 रुपए, मेरा डॉलर वापस करो। अलाउद्दीन मैंने वो डॉलर बेच दिया। है? ए, किसे पूछ कर भेजा था? किससे पूछूं? मेरे दुकान में गिरवी रखी चीजें छुड़ा नहीं सकते, ऊपर से चिल्लाते हो। ए, क्या अपनी बस्ती का दुख देखकर रो रहा है? मैं मेरे परिवार की दौलत देखकर रो रहा हूँ। वो क्या है तेरे परिवार की दौलत? वो है ना वो डॉलर। अरे उसमें तो 1902 लिखा है, लगता है बहुत पुराना होगा। हाँ ना, वो मेरी दादी का है, मेरे दादा ने उसे गिरवी रखे थे, छुड़ाने से पहले ही वो चल बसे। मेरे पिताजी ने भी दिन रात एक करके उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो भी चल बसे। अरे वो डॉलर रौनक के अनाज ही रह गया रे। hey, वो तेरी दादी का डॉलर नहीं, वो तेरी दादी की इज्जत है। चुप। hey, तुमने ये ऐसे कैसे मेरा डॉलर बेचा? तो मैंने जहांगीर आर्ट गैलरी वालों को बेच दी है। आइटम नंबर 1, ये मुगलों के जमाने का प्लेट है, ये पंच धातुओं से बना है। सारे केबीसी वाले इधर बैठे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। शहंशाहों को जब भी भूख लगी वे इसी में खाते थे। इस प्लेट की कीमत है 1,00,000 रुपए। अरे गिरवी पड़ी प्लेट को 1,00,000 में बेच रहे? 1,25,000। ये देख बेवकूफ। आइटम नंबर 2, ये है डॉलर। ये मेरा है? ये कोई साधारण डॉलर नहीं है, इस डॉलर के पीछे एक इतिहास छिपा है। अरे बापरे, अरे मारवाड़ी की दुकान में गिरवी रखी बात अब सबको पता चलेगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ताजमहल बनाने वाले शाहजहां ने अपने पहले पहले प्यार मुमताज को जो भेंट दी वो ये डॉलर ही है। बहुत फेंकता ही है। इतने खूबसूरत ऐतिहासिक डॉलर की कीमत है सिर्फ 50,000 रुपया। ए, कौन है वहाँ, काम के वक्त शोर कर रहा है? चलो पहली गोली लगाइए। अबे इतना कीमती लॉकेट तेरे गले में था, तू कौन है अलाउद्दीन? तुझे नहीं पता है, तुझे जरूर इसके बारे में कुछ तो पता होगा। 1,00,000। अलाउद्दीन बेच दे। क्यों? उसे बेच कर अपनी लाइफ सेटल कर लेता हूँ। चुप बैठ यार। 1,02,000। 1,02,000। 500। वाह, 1,05,000 रुपए, वेरी गुड। 1,05,000 रुपया। अब ये कौन है? सो नाइस, नीलामी खत्म। अरे यार क्या सुंदर लड़की है यार, अब इस लड़की का पीछा भी करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी लकी डे फॉर मी, आई गॉट दिस डॉलर। कॉस्टली है यार। नो, इट्स अ प्राइसलेस डॉलर। ए, 25 साल से जो डॉलर तेरे गले में लटका था उसके गले में लटका है। तुम दोनों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता था क्या? वाओ, क्या हुआ? I feel romantic here. रोमांटिक बोलो तो क्या? रोड पर चलते हुए आंटी को देखकर कुछ कुछ होता, उसे रोमांटिक कहते हैं। वाओ,
क्या हुआ? यही है रोमांटिक। कम ऑन लेट्स गो। अभी वो बहुत ही अच्छे मूड में है। अभी मैं डॉलर लेकर आता हूँ। तुझसे रोमांस करने कौन आ रहा है? आए तो बता दूंगी। हाँ चलो बहुत देर हो चुकी है, चल चलते हैं। डॉलर। जितनी तेजी से ये जा रहा है लग रहा है डॉलर वापस लेके ही आएगा। लड़की की भाषा इसके समझ में कहाँ आने वाली है? डॉलर। Oh, you mean this dollar? Dollar. This is a very precious dollar. You know, I bought it for 2 lakhs. तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अरे लो लड़कों से कहाँ हिंदी में बात करते हैं? देख कैसा समय से कटिंग कर रहे हैं। Queen Sayukta, Queen Elizabeth does not even have this type of dollar. Dollar. ये कौन कार्टून है जो हमारी प्रीति से बात कर रहा है? अब मेरा काम शुरू। Bye bye. हेलो लेट्स गो। हाँ हाँ चलो चलिए 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 आइए। अरे वो जा रही है तो हमें पीछे करना चाहिए। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे गाड़ी रोक ना, गाड़ी रोक, गाड़ी ऑटो ऑटो ऑटो, अरे रुको इधर, अरे अरे टैक्सी ऑटो, अरे अरे तो अपनी गाड़ी है। अरे अरे क्या बात है, क्या बात है, बैठो लाल वाली गाड़ी, क्या बात है, बैठो बैठो, चलो अबे तुझे 2 लाख रुपए चाहिए कि नहीं? 2 लाख रुपए लगाते मैकेनिक क्यों करेगा? आहा, विदेशी कार, लड़का अमीर लगता है। अरे भैया भीख दे दो ना। अरे हट, भीख दे दो, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया। अरे दे दो, इसको क्यों छिपा रहा है? अच्छा, अमीर आदमी साहब, साहब भीख दे दो, साहब भीख दे दो साहब। क्या भाई भीख मांगता है? नहीं मैंने आपको 500 रुपया उधार दिया था, वही मांग रहा हूँ। तुझे बुला रहा है? अरे मुझे को बुलाया, तेरे को बुला रहा है? मुझे क्यों बुलाएगा? उस दिन 500 रुपया दारू पीने का उधार नहीं लिया था? ये सब क्या? बीच रास्ते में मांग रहा है, अपनी इज्जत की वाट लगा रही है, दे दो क्या? दे दो उसे। 1 2 3 4 5 यहाँ कौआ को पंख फैलाते देखा था, कार को पंख फैलाते पहली बार देखा है। साहब भगवान आपका भला करे। ये क्या भिखारी को 500 रुपये का नोट दे रहा है? लगता है कुबेर के ताऊ का एकमात्र बेटा यही बचा है। हाँ। इसे ही हमारे मालिक बड़ी दिनों से खोज रहे थे। मालिक ग्रीन सिग्नल मिल गया। अरे वो 2 लाख रुपए जा रहे, तो फॉलो करना। अमीर लड़का फॉलो कर रहा है। अरे ये क्या, लड़की अंदर चली गई? ना बाप बड़ा, ना भैया, ना बीवी बड़ा, ना बच्चा, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा। अरे भैया क्या हुआ? मालिक आप नॉर्मली भिखारी को कितना भीख देंगे? वैसे तो मैं भिखारी को कभी भीख नहीं देता हूँ, अगर मेरे पास छुट्टा पैसे है तो 1 ही रुपया देता हूँ। तब तो वो आपसे 500 गुना ज्यादा अमीर है मालिक। कौन है वो? सी द कार, अंदर अमीर होनहार। कौन है जो कार में आया, कौन है जो दिल में समाया? क्या 2 लाख रुपए चले गए? चुप बेवकूफ, अल्लाह घर देख लिया ना, अब कल कुछ करेंगे, फिक्र मत कर। हाँ। कैसे? अरे इतना बड़ा बंगला, एक एक बाथरूम कितना बड़ा बड़ा होगा ना। कितना बड़ा होगा? मुझे मत बोल यार, ये लोग लेट लेट के नहाते हैं गरम गरम पानी से, और नहाते वक्त ना सारे जेवर उतार देते हैं। तब तो चेंज जरूर उतारेगी। हम सब जाएंगे बाथरूम के, नहीं सिर्फ तू जाएगा और जाकर चेन लेकर आएगा, हम लोग बाहर खड़े होकर पहरा देंगे। रिवर्स में ले। ए, मेरे प्लान के अंदर जान आ गई है, उसमें 4 चांद लग जाएंगे, उसमें मैं तुझे स्पेशल पोस्टिंग देता हूँ। मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बेटिया और दामाद। दामाद? अरे अभी से आदत डालनी चाहिए ना, वो दोनों कहाँ घूमते कहाँ मिलते हैं, उनका प्यार किस हद तक डेवलप होता है, सब नोट करके बताना, तो उतनी तुम्हारी इनकम बढ़ेगी ना। थैंक यू, यानी कि मैं प्रेम दूत? नहीं लोमड़ी। बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। चलो बच्चों आज का ट्यूशन खत्म, घर जाओ। दीदी आज की कहानी नहीं सुनाओगी? दीदी कहानी ठीक है सुनाती हूँ, आज इतिहास के महावीर नेपोलियन की कहानी सुनाती हूँ। हाँ,
उसके बारे में कुछ मत कहो। क्यों नंदू? उसको पीकर ही रोज मेरे पिताजी मेरी माँ को मारते हैं। किसके बारे में कह रहे हो? ये नेपोलियन मेरे पिताजी का दोस्त हमारा दुश्मन। अरे छी, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ये सिर्फ पानी है, अब कहानी सुनाओ। अब मैं अलादीन और जादुई चिराग की कहानी सुनाती हूँ। अरब देश में अलादीन नाम का एक लड़का रहता था। वो हमारी तरह गरीब था। वो रोज मेहनत करके कुली का काम करता था। ये तो अलादीन जैसा है। अपना अलादीन है ना? हाँ हाँ, अपने अलादीन जैसा ही दिखता है। फिर एक दिन एक जादूगर वहाँ पे आया। वो अलादीन को एक गुफा में ले गया। अलादीन ने अंदर जाकर एक बहुत ही खूबसूरत चिराग देखा। चिराग को घिसते ही एक बड़ा सा जीना आया। उसने कपड़े दिए, जेवर दिए, पैसे दिए, उसने जो मांगा वो सब दिया। एक उड़ती चटाई भी दी। उस उड़ती चटाई में बैठकर अलादीन उड़ कर गया। उसके बाद उसके जीवन में बहुत सी खुशी आई। जादुई चिराग से उसने बहुत से लोगों की मदद की। ये है अलादीन की कहानी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बच्चों, ये क्या मजाक है? हमारे सवाल का जवाब दो। मेरा नाम है अलाउद्दीन। तो फिर तुम्हारे पास जादुई चिराग कहाँ है? ये क्या, तुम लोगों ने सपना देखा है क्या? नहीं, दीदी ने कहानी सुनाई। हाँ अलाउद्दीन, सीता ने इन लोगों को अलाउद्दीन की कहानी सुनाई थी। ये उसी के बारे में पूछ रहे हैं। उसमें ना बड़ा जिन था, वो चिराग घिसने से आता था, जो मांगो वो देता था। वैसे ही चिराग घिसकर हमें जो चाहिए दो। अरे अरे, मेरे पास तो कोई चिराग नहीं है। क्या बात है? अलादीन, उसे भी बहुत दिनों के बाद चिराग मिला था। अगर मिल जाए तो सब ला कर दोगे? ठीक है, जादू चिराग मिली तो ले आऊंगा। अब ये ले लो, ये लो, ये लो। अजय, अच्छे से पढ़ाई करना है, ये लो। लाओ, सब सामान ले आए। पैसे कम पड़े थे क्या? बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए पैसे कम पड़ गए थे। एक हफ्ता ओवरटाइम करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या करें, हमारी पगार तो खाने पीने में ही कम पड़ता है। अरे चलो चलो, गाड़ी आ रही है साहब की। बाजू हटो, बाजू हटो, ए ऑटो बाद में ले, चल बाजू हट। नमस्ते जी। बहुत हो गया, कितना नमस्कार करोगे साहब? हमारी बस्ती में नाले का पानी जाता नहीं और पीने का पानी आता नहीं। अगर पीने का पानी आता भी है तो गंदे पानी के साथ मिलकर। हमारे बाल बच्चे इस पानी को पीकर टाइफाइड मलेरिया से पीड़ित हैं। डॉक्टर के इलाज करने में बहुत पैसे देने पड़ते हैं। आप किसी तरह पीने के पानी का प्रबंध कीजिए। मेहरबानी कीजिए साहब। ये पेपर मुझे दो। पेंशन नहीं मिला। ऑफिसर से मिली क्या? गवर्नमेंट ऑफिस गई थी, वहाँ तो रुपए मांगते हैं। कोई भी चीज के लिए अर्जी देने के लिए 500 रुपए मांगते हैं। कुछ कीजिए साहब, पेंशन दिलवाइए साहब, कुछ कीजिए। अच्छा, ये पेपर मुझे दे दो। आप क्यों इतना अपसेट हो रहे हो? लाओ पेपर तो। स्टिल सर, अरे किलो भर का पेपर हमारे हाथ साहब। जैसे चिड़िया तिनका तिनका जमा करती है, उस तरह से मैंने एक एक पाई जोड़ा था अपनी बेटी की शादी के लिए, मगर उसे चीट फंड वालों ने लूट लिया, धोखा दिया। वो तो केस चल रहा है कोर्ट में। उस केस के लिए भी मैंने कर्ज लिया है, उसका भी ब्याज देना बाकी है। अब अभी मेरे परिवार को बचा सकते हैं। कोर्ट में फैसला हो जाएगा। स्टिल फोटोग्राफर, फोटो लो जल्दी।
हाँ चलिए। हाँ चलो ठीक है। जरा देखिएगा सर, ठीक हो जाएगा। जरा आप भी बोलिएगा सर। अरे हटिए, बाजू हटिए, आप तो जाने दो ना। अरे दरिंदर लोग ना खुद मरते हैं और आप उन्हें मारते हैं। सब लोग कहते हैं कि इंडिया डेवलप कंट्री है। अरे देखो देखो कैसे लोगों को उल्लू बना गया, देखा? विदेशी कार में आया था फिर गायब हो गया। समुद्र में जहाज को देखा है लेकिन पहली बार सड़क पर जहाज को देख रहा हूँ। रोज नई नई कार लाता है, लगता है बहुत अमीर है। जाकर एक घंटे में वापिस आना, सेठ का गाड़ी है, डिलीवर करना है। मालिक लड़का मिल गया। अल्लाह जाकर चलने क्या जा। अलाउद्दीन एक मिनट, अंदर अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मुझे कॉल कर देना। मालिक हटो। माफ कीजिए मालिक, आपका रईस दामाद पीली गाड़ी में आया है, उसको स्वागत कीजिए। चलिए ना स्वागत करने। छी, वो हमसे मिलने थोड़ी आए, वो अपनी प्रेमिका को मिलने आए हैं। अगर हम बीच में गए तो उनको पता चलेगा कि लड़की का बाप अभी से फॉलो कर रहा है तो उनका प्यार आधा रह जाएगा। करे हाँ। का दमा चोरों की तरह इस तरह दबे पाव क्यों जा रहा है? प्यार भी तो चोरों का खेल होता है, उसका भी हाईलाइट चुपके से मिलना होता है। अब तक वो बेटी के रूम में पहुंच गया होगा? पता नहीं आ? लेकिन इस मामले में आप लड़की के बाप हैं या मामा? हाँ ससुर हूँ, लड़के का ससुर हूँ, लड़की का बाप हूँ। My dear, please come soon. Good morning, dear. अरे बाप रे, कार का ओनर बिगड़ेगा। अबे पहले डॉलर मिल तो जाए फिर जाना। चुप। जी बम्बा। ये क्या है? ये उसकी आंखों में डालने के लिए मिर्ची का पाउडर। किस लिए? ये 2 रुपए का मिर्ची पाउडर से ही 2 लाख का डॉलर ले लेंगे। कैसे? कैसे? अरे इतना भी नहीं पता तुझे? जब वो तेरी तरफ सीधे आएगी, वैसे भी तू भी उसके तरफ देखेगा और जैसे तू उसके नजदीक जाएगा वो भी तेरे नजदीक आएगी। तू उसका चेहरा देखेगा, वो तुझे देखने से पहले मुंह के सामने तुझे फूंक देगा। कैसे यार? अरे कैसे क्या पूछता है, ये ठीक है सही? अरे बाप रे, अरे बाप रे, जलता है। तुझे किसने बोला था इस तरह फूंकने की? अक्कल है कि नहीं? कहाँ चला गया? तूने क्यों फूंका मिर्ची पाउडर? अरे आज जलता है। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं फूंकता हूँ। अरे अरे जलता है। अरे क्या बदबू है यार। योर फ्लावर। या आपका रईस दामाद प्रीति के चेन को छीनने के लिए चोर के पीछे भाग रहा है। वो प्रीति का चेन डॉलर नहीं बचाने वाला है, मेरे जीवन को अमेरिकन डॉलर जैसे बनाने का प्रयत्न कर रहा है।
आंखों का ऑपरेशन है और दीदी का दिल का ऑपरेशन है, मत मारो। क्या छिम? आप अच्छे आदमी है बुरे लड़कियों के सामने मैं बहुत अच्छा हूँ वरना मैं बहुत बुरा हूँ समझा। अरे लड़की आ गई, आप इसको फिक्र मत कीजिए, मुझे भागने की शक्ति नहीं है, मैं सुधर गया हूँ। लीजिए बहन जी, लीजिए मैं सुधर गया हूँ। गांधी जी का आजाद भारत बन गया है, अब लोग निडर होकर जेवर पहन सकते हैं। आपको बचाने तो बहुत लोग आ गए ना। एक्सक्यूज मी सर, डॉलर मेरे डॉलर को अपना डॉलर समझकर भागे। थैंक यू वेरी मच, एक चोर को सुधार दिया आपने। आई लाइक यू वेरी मच। जैसे ही ये डॉलर अलग हुआ मुझसे ऐसा लगा मैंने कुछ गवा दिया। प्लीज पहना दीजिए मुझे। अबे बहुत जल रहा है, दूध को जरा ठीक से मेरे चेहरे पे फेंको। फेंक क्या हुआ बे, तेरी आंख भी जल रही क्या? नहीं, अरे उधर देखो, मंगल सूत्र बांध रहा है। ये क्या हुआ? इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। बताइए ना अलादीन के हाथ में क्या लिखा है? दादी कब होगी? अच्छे से देखो जरा इसके हाथ में क्या है। अरे देखिए कहीं करोड़पति बनने के आसार है या नहीं। है, बहुत मंगलमय है। यह साधारण हाथ नहीं, नेहरू, वो कौन हो? गांधी, तिलक, इन सब की रेखाओं को मिक्सी में पीस कर इसके हाथ में डाला है। 100 रुपए का लालच में देखोगे अमिताभ बच्चन का नाम ले रहा है। ये हाथ बहुत बड़ी शक्ति बनेगी। अलादीन को कभी जादुई चिराग मिलेगा क्या? जादुई चिराग क्या चिराग है, एक चमत्कार होने वाला है। अरे देखो देखो, ये कौन लड़की आ गई, मटक मटक कैसे चल के जा रही है छतरी लेकर। अरे ये कौन है, यहीं आ रही है। अरे ये दीदी तो अलादीन से मिलने आ रही है। मिस्टर अलाउद्दीन, आई वुड लाइक यू टू पार्टिसिपेट इन द फैशन शो, वुड यू लाइक टू कम? आई विल मेक यू वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडल ऑफ द कंट्री। ए बच्चा, तुमको समझा क्या? ए जी कुछ नहीं समझा, इसको जरा इंग्लिश से हिंदी में समझा। अलादीन, ये तुम्हें अपने साथ बुला रही है। अरे ये मेरा ये मतलब नहीं था। अरे अपना भाषा में बात करो ना। तुम्हें फैशन शो के लिए बुला रही हूँ। देखा, तुझे खाने पे बुला रही है। हाँ, तू चुप रह, आप बोलिए मैडम, आप बोलिए। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, ये भी मिस मुंबई है। मिस मुंबई, क्या इनका होटल है क्या? देखा, चला रही है, मतलब सबसे खूबसूरत है। यह देखो, देखिए मैं पहले साफ साफ बता देता हूँ, मैं अब तक जो मजदूरी लेता हूँ उससे कितना ज्यादा देंगी आप? इट्स गेटिंग मोर मनी, मोर। एक दिन के 1000 रुपए दूंगी। हैं? एक दिन का 1000 रुपया? क्या कहा, 1000 रुपए देगी? दीदी काम क्या है? काम बड़ा नहीं है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मैं जैसे कहूँ वैसे चलकर दिखाना होगा। बस चलने के पैसे मिलते हैं। ऐसे आगे पीछे करने के लिए क्या पगार देंगे आप? अरे हमें तो सारा दिन काम करने का 100 रुपया भी नहीं मिलता। वही पापा, टीवी में लड़कियाँ कम कपड़े पहन के घूमती है ना, वही है फैशन टीवी क्या? कौन जाने क्या है, अलादीन को पैसे तो मिलेंगे। हजार रुपया सामान जी, यारो तू सुबह पैसे बैठा है, खड़े हो जा। पापा ये नमस्ते। बेटी देख भी लिया, समझ भी लिया और जान भी लिया। हाउस में सिलेक्शन पापा। सुपर सुपर सुपर, थैंक यू पापा। ओके अलादीन, तुम पापा से बात करो, मैं भी आती हूँ, देख लीजिए पापा। सर ये पैंट आपने आधी क्यों पहनी हुई है? चुप, यही लेटेस्ट स्टाइल है। मुझे खुशी हो रही है आप इस गरीब की झोपड़ी में पधारे हैं। आप इसे झोपड़ी कहते हैं?
मैं तो 100 झोपड़ियों के बीच में रहता हूँ। देखा, 100 झोपड़ी का मतलब है 100 बंगले, उनके पास बहुत है। पहले पूछिए दामाद जी पीने में क्या लेंगे। सर आप क्या पियेंगे? चाइना टी। ये टाटा टी तो पिला सकता हूँ, चाइना टी कहाँ से लाऊं? 5 स्टार होटल में सैलून वालों को देते हैं। चाइना से टी लाना थोड़ा मुश्किल काम है। कोई बात नहीं, मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी 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 जी, ये नहीं, ये लीजिए। थैंक यू। साबुन डब्बे की तरह नंबर डाल करिए प्लीज। ये लोग करोड़पति है ना, इनके घर में फोन करने के लिए भी नौकर होते हैं। नंबर बोलिए। 242 00 422 00 442 डायल करना। क्या हिंदी में मोबाइल नंबर बोल रहे हैं? हिंदी से लगा हुआ, डायल कर जल्दी से करना। ये लीजिए सर। ये अलाउद्दीन ने फोन लगा दिया। क्या बात है, ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मालिक अच्छा मौका है, अगर आप इसकी बातें सुनेंगे, जिसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, पता चल जाएगा। राइट आइडिया। क्यों भाई, फोन उठाने में इतनी देर क्यों की? अरे अपने तेंदुलकर को तूने बैट लाने के लिए बोल के दिया था, उसने क्या हुआ? पहले अपने तेंदुलकर को फोन दो। मैं बात करूंगा। अलादीन बैट कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था ना कि आते समय लाऊंगा। तेंदुलकर से बड़ा करीब लगता है। अरे तरह करके बात कर रहा है। ए, उसको बैट खरीद के दिया, तू तड़ा किया तो क्या हुआ? कम से कम वैसे खेलो जैसे मैंने तुमसे कहा था। अरे तुम बात करता रहेगा, और लोग भी है। ये जैसा बोलेगा तेंदुलकर वैसा खेलेगा क्या? अब पता चला तेंदुलकर की जीत का रहस्य। दामाद है, दामाद है मेरा। हाँ अलादीन, तेरे पापा बात करना चाहते हैं, मेरे पास में ही है, ले बात कर। अलादीन आज सुबह से दिल कर रहा है कुछ अच्छा खाने का, एक बिरयानी ले आओगे? मेरा नाम लेकर 5 स्टार होटल से बिरयानी ले लीजिए। 5 बिरयानी। क्या इसके घर में खाना पकता ही नहीं? दोनों टाइम 5 स्टार होटल में खाता है। रॉयल फैमिली है हमारा। आपकी? तुझे क्या चाहिए? 3 हेलीकॉप्टर। शुरू क्या को 3 हेलीकॉप्टर चाहिए? तुझे क्या जहाज चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, कितना कंप्यूटर हेलीकॉप्टर जहाज चाहिए बोलो? हाँ 10 जहाज और 10 हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर, ये जहाज। 10 जहाज और 10 हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर? मालिक मैं कभी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा, एक राउंड घुमाने के लिए बोली मुझे। छी बेवकूफ, कैसे जाके पूछू मैं? शादी के बाद आधे हेलीकॉप्टर यहीं उतरेंगे, यहीं लैंडिंग होगी। वैसे भी मैं घुमा नहीं हूँ, हम दोनों उसमें घूमेंगे। सब सामान ले लिया? दुकान वाला पैसे मांगता है। हाँ अभी मांगता है। तो लॉकर ओपन कर दो। लॉकर? कौन सा लॉकर? एक सिंगल फोन में बिरयानी से लेकर फ्लाइट तक खरीदते हैं। मेरा दामाद बहुत रईस है। देखो काम का पगार जरूर लेते आना, उस लड़की से पैसे लेकर ही आना। सब लोग 5 स्टार होटल में बैठे रहो। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? दामाद का दिल कितना उदार है। इंडिया की सारी लॉटरी मुझे लग गई है, मैं अभी ना इसके घर पे ही जाके रहूंगा, घर ससुर बन के। ऐसा मेरा दिल कर रहा है कि आज के बाद मैं वही रहूं। आ रहा हूं। अलादीन रोज आकर ले लिया करना। लव लेटर दे रही है। फाइनल है? Why did you try this? दर्द होगा। क्या हमको दर्द नहीं होता? तू मोटी चमड़ी है, तुझे कुछ नहीं होगा, मुझे दुखेगा। तुझे जो बहुत पसंद है वही कर, और मैं कुछ नहीं बोलती, जा। Okay, I'll try. तुझे जो पसंद है उसको याद कर। Okay. अच्छा लगा। क्या वो चीज या कोई लड़का? अरे मैं तुमको दामाद के घर लाने के लिए बोला था, वही जा रहा हूँ मालिक, यही रहता है आपका दामाद।
हाँ देखिए आ गया उसका ठिकाना। ए ड्राइवर तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई है, तेरे को करोड़पति के घर लाने के लिए कहा था, तू झोपड़पट्टी में लेके आ गया। आपने कहा था अलाउद्दीन से मिलना है तो मैं आपको वहाँ ले आया। ओके ओके देखो अलाउद्दीन नाम के तुम्हारे मालिक से मिलना है। अलाउद्दीन से मिलना है या इस कार के मालिक से मिलना है, ये सब क्या है यार? कूल डाउन मालिक, कूल डाउन, कूल डाउन। क्यों परेशान करते हो यार, मेरी बात समझो। इस कार के मालिक की तरह कई कारों के मालिक अलाउद्दीन से मिलना है। बाप रे मैं तो ए, तू तो पागल हो गया, अभी हमको भी पागल करेगा क्या? वो देखो अलाउद्दीन आ रहा है, उसी से बात कर लो। अरे चलना मेरे बाप चलना। अरे अलाउद्दीन वो देखो फैशन वाली लड़की का बाप आया है। क्या ये अपना अलाउद्दीन है? पूछ रहे हो तुम मुझे? संभालो नहीं तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। वही है मालिक। अरे 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 दीदी क्यों हो, क्यों हो, क्यों मालिक? अरे क्या हो गया? बदबूदार पानी मेरे मुंह पे मार रहा है। उठ गया, उठ गया, मेरे की आ गया लगता है। उठ गया मालिक, जूता नहीं, उठ गया, उठ गया, उठ गया। चाइनाटी लगता है कहीं सुना है। आप पहले से पी लीजिए, आप पहली बार आए ना दामाद जी। ये चाइनाटी चाइना से आता है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है साहब, थोड़ा सा दूध में बहुत ज्यादा पानी डालो ना तो चाइनाटी हो जाता है। अपने फाइव स्टार होटल का स्पेशल आइटम वो देखिए। ये यही फाइव स्टार होटल है। तेंदुलकर ग्राउंड में खेलने के बजाय यहाँ पे क्यों खेलता है? देखिए सर तेंदुलकर ने सेंचुरी मारा है। सर हमारी बस्ती में सबको इसी पे भरोसा है। ये बहुत बड़ा आदमी बनना चाहिए, आप हेलीकॉप्टर देकर उसे आशीर्वाद दीजिए। उसे आशीर्वाद दीजिए। ये वही हेलीकॉप्टर है जो फोन पे ऑर्डर दिया था। आप इस हेलीकॉप्टर में बैठकर घूमने वाले हैं? मालिक सरकारी बीआरएस की तरह मैं खुद अपनी नौकरी से इस्तीफा देता हूँ। आपसे अलग होते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन। सर आप मेरी लड़की के साथ घूमना छोड़ दे। मैंने क्या सर, आपकी बेटी नहीं बुलाया, एक दिन का पगार 1000 रुपया देती है। क्या कहा अनाथ कहीं का? अनाथ पिताजी? हाँ? अनाथ का क्या मतलब है? उसका नामो निशान नहीं, तुझे अनाथ भैया। ये अनाथ का मतलब नहीं जानता, 6-7 लोगों को मार डालो, 10-12 बच्चे जब माँ बाप कह के रोएंगे ना तो वही अनाथ है। रह जाओ ना, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, बस्ती में बड़ी शांति से रहते हैं। मेरी बात तो सुनो भाई। हम क्यों तेरी बात सुने, तू क्या बड़ा दादा है? मेरी बात तो सुनो। बड़ा भाई है क्या तू? बड़े दादा की तरह बोलता है। बनकर चल। मार 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 मार।
और बार वाह वाह अलादीन वाह क्या बात है और संभल के अलादीन संभल के अरे वाह क्या मारा वाह अमीर बाप का बेटा करके बोला पैसा वाले बाप का जो बेटा है अभी मैं आपको साबित कर देता हूँ ये तेरा नाम क्या है भाई कोटेश्वर देखा करोड़पति और क्या चाहिए पेट की तो हवा निकल गई समाज अलादीन समाज समझ गया अलादीन छोड़ दो इन्हें छोड़ो कहा ना छोड़ दो इसे जाने दो तुझे हमने आज जिंदा इसलिए छोड़ा क्योंकि अलादीन ने कहा था वरना काट देता हमारे बच्चे को तूने अनाथ कहा अरे सो माओ ने मिलकर इसे पाला है समझे क्या हमारे अलादीन के होते हुए कोई भी अली बस्ती को छू भी नहीं सकता समझा रहा हूँ तेरे को समझा क्या चल बैठ ले चल अरे अरे ये क्या हुआ अरे ये फिर आ गया अरे कौन इसका काला साया इस बस्ती से जा ही नहीं रहा है पता नहीं ये क्या रेशन कार्ड में गड़बड़ करके गवर्नमेंट को धोखा देते हो हम गवर्नमेंट जो हमारी है उसे हमें तो बटर बिस्कुट साल्ट बिस्कुट का पता है कुछ लोगों ने गोल्ड बिस्कुट छुपा कर रखा है वो ही गवर्नमेंट को धोखा देते हैं जाकर उनसे पूछो ए बटर बिस्किट सब राशन कार्ड में ऑफिसर का साइन होता है उस अनाथ का सारे राशन कार्ड पे नाम कैसे तुम लोग फ्रॉड करते हो तुम्हारे परिवार में कितने लोग है मैं मेरी पत्नी और मेरा बेटा अलाउद्दीन और तुम्हारे परिवार में कितने लोग है मैं मेरी बीवी 8 बच्चे और अलाउद्दीन और तेरे घर में अलाउद्दीन को मिलाकर हमारे घर में 5 सदस्य हैं सबके कार्ड में एक ही आदमी का नाम लिखकर एक्स्ट्रा चावल और तेल ले रहे हैं पता है कानून इसकी क्या सजा देगा अगर आप सबको चावल घास लेट चाहिए तो आप सब एक एक करके लिख कर दो कि अलादीन से आपका कोई रिश्ता नहीं वरना आप सबका राशन कार्ड रद्द कर दूंगा आज के अर्जुन की तरफ डायलॉग बोल रहा था अब बोलती क्यों बंद हो गई बोलो राशन कार्ड से हमारा अलाउद्दीन का नाम काटने का ही तुम्हारा मकसद है तो ऐसे राशन कार्ड की हमें कोई जरूरत नहीं है वापस चलो अरे बेवकूफ लोगों राशन कार्ड के होते हुए 2 वक्त का खाना मिलता था उस अलादीन के लिए राशन कार्ड को जला दिया अब सब भूखे मरोगे पियानो के की से ज्यादा ब्रांडी के ग्लास है थोड़ी देर हो गई मैं जी को विश करके आता हूँ जाओ जाओ 1300 लोग आए हैं तुम आए कि नहीं आए किसको पता चलने वाला जाओ मैं अभी आता हूँ भिखारी कहीं का बुके तक नहीं लाया कौन है चीट फंड चलाता है बहुत पैसा लूट के रखा है लोगों का ये तो इस बार आप ही राष्ट्रपति बनेंगे पानी लेकर आओ चल दो बाल्टी पानी लेके कैश फंड सिटी बैंक से आ गया सिंगापुर से पैसे भी आ गए हमारे हांगकांग के पार्टी ने कहा ये पार्टी में बैंकिंग वगैरह की बातें करते रहता है एक काम करो इसकी शादी फिक्स कर दो अभी तक शादी नहीं हुई हाँ हाँ मैंने लड़की देख के रखी है वो देखो क्यों है ना सुंदर वाओ
क्या कैसे लगी? हाँ ठीक है जी, जैसे आपको अच्छी है ना? साहब यही है वो, यही है वो चिटफंड वाला जिसने हम सबको धोखा दिया। साहब उस दिन मैंने उसने मुझे परमिशन दी थी ना, इसने कंपनी को बंद करके पैसे लेकर भाग गया। हाँ, पुलिस पुलिस ठहरो साहब, लेके देंगे। मैं कहता हूँ किसी के जन्मदिन में आकर आवाज दे करना चाहिए। चुपचाप आओ, आओ 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 मेरे साथ आओ। साहब मेरी बात सुनो, साहब आओ अंदर आओ, सब वही चिट फंड वाला। अंदर आओ शराफत से बात करो, अंदर आओ। ए बड़े बड़े लोग आए हैं, ज्यादा आवाज नहीं, शांति रखो। सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो सर, ये वही है सर, आप समझ नहीं रहे हो सर। पैसे चाहिए सर? गंदी नाली के कीड़े, झूठे बर्तन धोने वाले भिखारी, कितना समझाया था तुझे, चुप रहे, समझ में नहीं आता तेरे को? बड़े लोगों की पार्टी में आके पक पक करता है, समझ में नहीं आता? तुझे पता है तू किसके बारे में बोल रहा है? जानता हूँ उन लोग को, आ तुझे दिखाता हूँ, देख यहाँ से देख, अब समझा? तुम्हारे हुंडी के पैसे इनके जेब में जाते हैं, वो जो दूसरा वो सिर्फ मोहरा है, समझा? अब बात घुसी तेरे भेजे में, और तू मुझे कानून सिखाता है? तेरी तो मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं बोल रहा, गलत मेरी आंखें कमजोर है। चल उठ उठ, अभी तुझे दिखाता हूं। काम पर आए हो तो झूठे बर्तन धोने चाहिए और घर जाना चाहिए, इसके बजाय तू सवाल पूछता है हमसे। साहब मैं और मेरे पूरे परिवार ने बहुत मुश्किल से बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए थे। तो तेरी एक जवान लड़की भी है? अरे पागल, छोटा सा 0 वाट का बल्ब, वो भी लाल रंग का, तेरी झोपड़ी के बाहर जगमगाए तो तेरी जिंदगी कितनी उज्जवल हो जाएगी। साहब क्या साहब, एक बात अच्छे से समझो, पैसे हो तो इज्जत नहीं होनी चाहिए, इज्जत है तो पैसे नहीं होने चाहिए। इन दोनों बातों में से तुझे क्या पसंद है ये फैसला तुम खुद करो। साहब चल जा, और जाते जाते झूठे बर्तन धोकर रख जाना। आओ अलादीन, कहाँ जा रहे हो? आज यही खाना खा लो। आज मणिका के घर में खाना है, अगर देखेंगे तो बिगड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ये क्या, मेरे आने से पहले खाना खा रहा है? अब अलादीन, आज खाना अच्छा नहीं बना, पड़ोस की मौसी के वहाँ खा लो। बिल्कुल नहीं, पूरी बस्ती में आपका ही खाना टेस्टी है, हम लोग लेके खाते हैं, खाना पड़ोसी है। पापा मैं तो खेलते ही खाऊंगी। चित्रा ए, उस दिन की तरह खाना मत गिराना। ठीक है अलादीन। क्या शालिनी, बहुत भूख लगी है, भैया के आने से पहले खा लिया? नहीं भैया। पिताजी चलो आप खाना दो। नहीं अलाउद्दीन, आज का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना है बेटा। आप खिलाएंगे तो खाने में स्वाद आएगा। नहीं पिताजी, हम खा सकते हैं, तुझे नहीं खाना चाहिए। ये क्या बोलते हैं पिताजी? माँ क्यों पिताजी ऐसा बोलते हैं? ए शालिनी बोल, पिताजी ने ऐसा क्यों कहा, क्या हुआ? उससे सहन नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक एक पाई जमा किए थे इसकी शादी के लिए, चीट फंड वाले लूट ले गए बेटा। वो कभी ना कभी ले लेंगे पिताजी। नहीं ले सकते, हमारा कानून गलती करने वालों को बचाने के लिए है। लेकिन हम जैसे गरीबों की मदद कौन करेगा अलादीन? माँ पैसे गए तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मत रो माँ। नहीं, उधार देने वाले पैसा वापस भी मांगते हैं, अगर पैसे वापस नहीं दिए तो बीवी और बच्चे को बेचने को कहते हैं। क्या, सुबह इज्जत तो जाने वाली है, इसलिए अभी हमने अपने खाने में जहर मिलाकर हम सब ने खा लिया बेटा। माँ 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 मुझे देखो माँ, मेरे शालिनी उठ, अरे कोई है, आओ जल्दी। पिताजी क्यों ऐसा किया, आपने ऐसा क्यों किया? अरे लोग आओ ना, अरे देखो देखो आपने जहर खा लिया। पिताजी अरे कोई है, चित्रा ए चित्रा।
चित्र अलादीन, भूख लगती है तो ही चक्कर आते है ना। पापा ने अच्छा खाना ही तो खिलाया था, चक्कर क्यों आ रहा है? चित्रा, चित्रा, क्या होगा चित्रा? चित्रा आंखें खोलो, चित्रा, चित्रा, चित्रा। बच्चे ने जहर खा लिया। क्या कहा, बच्चे ने जहर खा लिया? हाँ, उसके पिताजी ने जहर दे दिया। जल्दी डॉक्टर को बुला। डॉक्टर को नहीं बुला सकती, पुलिस को बुलाना होगा। इसकी जान जाने से पहले से बचा लीजिए। तुम झूठ कह रहे हो या सच कह रहे हो, ये किसे पता? इसके अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इधर आओ ये भाई, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें समझा। इधर लोग क्यों नहीं सुन रहे? देखो, मेरा 1,500, पुलिस का 3,000, डॉक्टर का 1,500, सब मिलाकर 5,000 हो जाएगा। बच्चे को बचाना है ना। कहाँ रखे है? कैसे कहाँ रखे? घूमो यार, कटू में रखे है। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए ऐसा हूँ। पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है, नहीं है मेरे पास पैसे। अलाउद्दीन, पापा ने मुझे जहर क्यों दिया? तुम बताओ ना, जहर से मैं मर जाऊंगी ना? अगर तुम्हें अलाउद्दीन का चिराग मिल गया होता तो हमारी जान बच जाती ना? तुम्हें तुम्हारा चिराग कब मिलेगा अलाउद्दीन? उसे जल्दी से किस लिए बुलाया?
जैसे तुम लोगों ने कहा था ना, मुझे चिराग मिल गया। हाँ हाँ, अलाउद्दीन के जिन को हम देख सकते हैं क्या? उसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। तुमको क्या चाहिए कहो, जिन से कहकर मंगा दूंगा। अरे क्या क्या, देखो तो क्या कह रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो ना। अलादीन बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, क्या अंडे दिला सकते हो? ठीक है। बेटा अलाउद्दीन, ये सब गरीब दुखी अपने तकलीफों के बोझ तले दबे तुम्हारी बात तो मान गए, पर हम कैसे मानेंगे? हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, अरे किसको उल्लू बनाता है? इस 21वीं सदी में जिन और दीप एक साथ कैसे हो सकता है? झूठ बोलते हो तुम। क्या कहा 21वीं सदी? जब गणपति के दूध पीने की खबर आई तब आप सबने पूरे देश में दूध पिलाया ना, तब कहा गया तुम्हारा 21वीं सदी? मेरे हिसाब से गरीबों का दुख दूर करने वाले वो जो भी है वो भगवान ही है। जाइए अपनी तकलीफें लिख कर लाइए, चेन आएगा सब अच्छा होगा। तुमने क्या मांगा? मुझे एक 3 पहियों की गाड़ी चाहिए, यही लिखा मैंने। अलादीन का जिन जरूर तुम्हारी मांग पूरी करेगा। जिन भैया, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, सिलाई सीख कर घर में बैठी हूँ, अगर मुझे एक सिलाई मशीन दे दो तो घर में बैठकर खा सकते हैं। अलाउद्दीन, मैंने रातों को आंखें फोड़कर पढ़ाई की, 12वीं में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, पर डॉक्टर के सीट के लिए लाखों रुपए चाहिए। इस गरीब माँ बाप का बेटा, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? कुछ रास्ता बताओ ना अलाउद्दीन। अलाउद्दीन,
हमारा मंगलसूत्र वो मारवाड़ी की दुकान पे गिरवी रखा हुआ है। मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, उसकी विदाई के लिए बहुत पैसा चाहिए। तुम उस जादुई चिराग से कहकर हमारी सब परेशानियां दूर कर दो। मुझे अब ठीक से दिखाई नहीं देता, सामने आदमी है या बैल कुछ नहीं दिखाई देता, ऑपरेशन करवाने का पैसा भी नहीं है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी स्कूल जाऊं और काम पर नहीं जाऊं। अलादीन जिन से कहकर मुझे एक अच्छे से स्कूल में भर्ती करा दो ना। ये क्या बर्तन के दुकान से दिया खरीद कर तुमने लोगों से बोल दिया कि इसमें से जिन आएगा, जो मांगोगे मिलेगा। उसी भरोसे बस्ती के सब लोगों ने अपने अपनी तकलीफें लिखी हैं इसमें। लोग अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए हनुमान जी के गले में चिट्ठियां बांटते हैं। भगवान से कहने वाली बात अब तुमसे कह रहे हैं, कैसे पूरा करोगे अलादीन? तकलीफें दूर करने के लिए आदमी, ताकत, पैसों, ये सब चाहिए। तुम तो साधारण आदमी हो, तुम भला ये सब कैसे करोगे? अलादीन, अलादीन, वन गुड न्यूज, हम मॉडलिंग के लिए मुंबई जा रहे हैं। आहा, तुम्हारा बाप गुंडे लाकर यहाँ मारता है, तुम क्या मुंबई ले जाकर मारोगी? पापा ने पिटवाया, कुछ समझी नहीं। तुम नहीं समझोगी, ये देखो, उस बच्चे के इलाज के लिए मैंने ये डॉलर 500 में बेची, तुमने खूबसूरती बढ़ाने को 2 लाख में खरीदी, तुम्हारा फैशन शो, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस, हम ये सब नहीं जानते। देखो इस लड़की को, काली है ना, तुम्हारी तरह गोरी नहीं है, लेकिन दिल भर सिलाई करके जब अपने परिवार का पालन पोषण करती है तो हम सबकी नजर में ये खूबसूरत है। हम पेट के लिए तकलीफें झेलते हैं और आप लोग वक्त काटने के लिए सब कुछ करते हैं, हमें माफ करो। What happened यार, where is Aladdin? वो नहीं आया, वो नहीं आएगा। हम चाहे तो किसी के हेयर स्टाइल बदलकर, कपड़े बदलकर, उन्हें खूबसूरत बनाकर, कलरफुल लाइट्स, मेकअप डालकर इंटरनेशनल जजेस के सामने पेश कर सकते हैं, यही सब कर सकते हैं हम, लेकिन अच्छे दिल वाला इंसान हम कभी नहीं बना सकते। We can create सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय, but we cannot create मदर टेरेसा। वो खुद में ही होता है, जैसे कि अलादीन। Have you fallen in love? No, it's more than love. Aladdin is great. लोगों का पैसा लूटता था, अब जी के पास फंस गया। मेरा यकीन करो जी, मैं झूठ नहीं बोलता जी, मैं अच्छे खानदान का लड़का हूँ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मेरा यकीन करो जी, मैं आप ही के भरोसे हूँ। आप मुझे मरने को कहेंगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी दया मुझ पर रखिए, क्या मैं आपको धोखा दे सकता हूँ? मैं तो सपने में भी नहीं आपको धोखा देता, मेरा यकीन करो जी, सच कहता हूँ जी, जी मुझे माफ कर दो। शादी करा के तुम्हें स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने के लिए नहीं भेजा था, मैंने अपने मकसद से तुम्हें भेजा था, मेरे अपने 100 करोड़ रुपए मेरे स्विस बैंक के अकाउंट में तुम्हें जमा कराने के लिए दिए थे, जो तुमने किए नहीं, उसी पैसे को तुमने तुम्हारे स्विस बैंक के अकाउंट में जमा कर दिए। स्विस बैंक में हुई ये बात हिंदुस्तान में बैठे इस पगले तक कैसे पहुंची, ये बात सोचकर हैरान होना तुम। पांच दिन अपनी बीवी समझ के तो जिसके साथ सो रहा है ना, वो 5 साल से मेरी रखेल है। पैसे के लिए पीठ पर वार करने वाले को मैं माफ नहीं कर सकता।
मैं जीसस क्राइस्ट नहीं हूँ। मेरे साथ कदारीन। जाओ जाकर यमराज से कहो धरती पर एक यमराज है। उठा के फेंक दो इसे और इसे टुकड़े टुकड़े करके हमारे कुत्तों को खिला दो। ले जाओ इसे, मुझसे गद्दारी करेगा। अंगूठा कट गया, ढूंढो उसे। आओ सर, अंदर कोई घुस आया है। अरे कुत्तों को उसके पीछे लगाओ। सब चलो। ये क्या, इतने रात को सोए नहीं? हमारी बस्ती के लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए कितना पैसा चाहिए हिसाब करो। है? इसका मतलब जीना आ गया? अरे बाप रे, जिन तो अब हाथ में आया है। अंगूठा, अल्लाह, ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इस गंगाधर का अंगूठा अब सोने के अंडे देगा। सोने के अंडे जरूर देगा, पर वह बहुत बुरा आदमी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े। मुझ अकेले की जान चली भी जाए, पर अब बस्ती में मैं किसी और की जान जाने नहीं दूंगा। हरिराजन की मौत कार एक्सीडेंट में हुई। चीट फंड चलाने वाला हरिराजन, उसकी मौत कार एक्सीडेंट में। हमने प्लान बनाकर उसे तो मार दिया, पर इसने तो ऐसा न्यूज दे दिया कि जैसे सामने से इसने देखा हो। सारथी के कहने के मुताबिक हम लोग एक माला ले गए, 5 मिनट में आंसू बहाकर चले आए। वहाँ बहुत भीड़ थी। बाद में पता चला कि ये उनके भी पैसे हड़प चुका था। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके मैंने फाइल क्लोज कर दिया है। ये पुरानी बातें छोड़ो, जो काम बाकी है उसके बारे में बताओ। वो लड़का कहाँ है? जी, वो अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। मुझे वो लड़का चाहिए। क्रिमिनल लिस्ट पूरी तरह से चेक कर चुका हूँ। ये नया चोर है, इसका नाम लिस्ट में है ही नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? गंगाधर है क्या? ए, तू जी को नाम से बुलाता है? नाम सुनकर ये हालत है। उनके अंगूठे से मैं एक कुंडली बताता हूँ, सुनोगे? जी, ये अंगूठे वाला है, आई विटनेस की तरह बोल रहा है। ए, ब्लडी फूल, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक कौन किस कुर्सी पर बैठेगा ये मैं डिसाइड करता हूँ। वो तो बहुत पहले की बात है। अब तुम्हारा अंगूठा, अब मैं तुम्हारी कुंडली का फैसला करूंगा। अगर मैं चुप रहूं तो हे हे हे, मैंने कितने चोर देखे हैं, मैं जानता हूं तुम फंसोगे। देखो फंस गया ना, बोल क्या चाहिए तुझे।
अब बोलो तुम्हारी मांग क्या है? पैसे। कितने, कहाँ, कब? 8,90,099 रुपए। कल दोपहर बांगो नगर रोड पर म्युनिसिपालिटी का कचरा डब्बा 129 में डाल दो। ए, ए। अगर अपनी इज्जत बचानी है तो पैसे कचरे के डिब्बे में रखो। कम नहीं होने चाहिए? बिल्कुल कम नहीं होंगे। मैंने सोचा तुम अंधेरे में ही बाहर आते हो, क्या तुम दिन दहाड़े भी बाहर निकलते हो? ए, क्या पैसे दिन में लोगे? क्या तुम खुद आओगे? मैं जरूर आऊंगा, तेरे काले पैसे को सफेद करने में रोशनी में भी आऊंगा। अभी 225933 के नंबर पर जिसने फोन किया वो कैसे दिखता है? उसका लंबाई, वजन, उम्र, कलर, उसका पूरा नक्शा बताओ। उसने क्या कपड़े पहने थे? बोल जल्दी। इस पैसे पर अगर किसी ने भी हाथ रखा तो यह कंप्यूटर चिप मुझे तुरंत संकेत देगा। क्या तुमने उस चूहे के लिए दवाई रखी है? हाँ रखी है, एक छोटा सा नारियल का टुकड़ा, पर ये बहुत कॉस्टली है। देखो इसमें 8,90,099 रुपए हैं। ये क्या बाटा का दाम जैसे? इस बाटा कंपनी का चूहा मुझे जिंदा चाहिए। डैमेज हुआ तो ग्लोव से छुपा सकते हैं, अगर इज्जत चली गई हमारे आदमी को कोई नहीं पहचानेगा। सर ये तो हिल भी नहीं रहा है, शायद चूहा डर गया। इसको भी अभी कचरा फेंकना था। अरे रे, चिप हिल रहा है, पैसे हिल रहे हैं, इसका मतलब है चूहे ने पैसे दबोच लिए। हेलो, ए पकड़ा क्या उसे तुमने? जी कचरे के डब्बे के पास कोई नहीं है। क्या ए, क्या पागल जैसी बातें कर रहा है? इधर कंप्यूटर दिखा रहा है पैसे किसी ने ले लिए, कचरे के डिब्बे में जाके देख। इधर आओ तुम भैया। अरे इसके नीचे तो गटर है। सर वो तो पैसों के साथ ड्रेनेज से भाग गया। ए, वो जो कोई भी डिच में हो उसे वहां जाकर पकड़ो और लेकर आओ। पकड़ो उसे। Thank you.
बीच में नमाज पढ़ने वालों में वो शामिल हो गया। पता नहीं कौन है जी। ए, जो भी नमाज पढ़ने में गलती करे उसे पकड़ो तुम। सब लोग ठीक से नमाज पढ़ रहे हैं। गधे कहीं गए जी। मुझे लगता है वो मुस्लिम ही होगा। मुसलमान लोगों के बीच में अपने आदमियों को भेजकर पता करता हूं जी। सब मुस्लिम जो 5 फुट 11 इंच वाले हैं उनको बुलाकर मैंने पूछताछ की। मैंने कुछ लोगों को पूछा और मारा भी, पर वो लोग उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन उसकी मौत हमारे हाथों में ही है। किताब में पढ़कर बताता हूँ। पहले अलादीन को चिराग मिलता है, जीन आता है, अरे अलादीन के बाजू में सुंदर लड़की है। कौन है वो लड़की? कौन है? तुम तो बहुत बहुत सुंदर हो। यही वो दीदी है जिसने अलादीन को इनवाइट किया था बच्चू। अगर अलादीन से शादी करनी है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज़ अलाउद्दीन हैव 100 फादर्स एंड 100 मदर। सबसे मंजूरी लेनी होगी। पकाना नहीं आता। कपड़ा धोना आता है क्या तुम्हें? नहीं आता। तब तो बहुत मुश्किल है। तो मुझे क्या करना होगा? वो कैसे? वो तो एक राज है। पुलिस आ गया, पुलिस। अरे पुलिस आ गया, हम सबको पकड़ के पीटने वाला है। अबे चुप, वो एम्बुलेंस है, पुलिस वैन नहीं। अल्लाह, इसने नाक में दम करके रखा है। पोस्टमैन वॉचमैन को देखते ही पुलिस पुलिस चिल्लाता है। इसके वजह से शायद हम फंस जाएंगे। अगर अब की बार चिल्लाए तो मुंह तोड़ दूंगा, समझा बे? ए, क्या हुआ? की बिल्डिंग गिर गई है, बच्चे उसमें सब दब गए हैं। हाँ, 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 मेरा बच्चा। अरे कोई बचा, देखो। बिल्डिंग वीक है, पहले नहीं बता सकते थे। कितनी बार कंप्लेंट करूं, कितनी बार इन्फॉर्म करूं? एमएलए आए, एमपी आए, मिनिस्टर आए, सब ने सिर्फ वादा किया पर किया कुछ नहीं। देखिए अब क्या हुआ। हमारे देश के महान नेता
बिजली के खंबे के नीचे बैठकर पढ़ते थे। अगर इस तरह की कमजोर बिल्डिंग में पढ़े होते तो शायद देश को कोई अच्छा नेता ही नहीं मिलता। मैं गवर्नमेंट में रिपोर्ट दूंगा। हाँ, आपका रिपोर्ट देखने के बाद वो लोग मीटिंग रखेंगे कि स्कूल बनाना चाहिए या नहीं। उस बीच एक और बिल्डिंग गिर जाएगी और 100 बच्चों की मौत हो जाएगी। सर, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। अरे ये तो पैसे वाले जिन्हें पैसे वाले। गंगाधर जी बुम्बा, जी बुम्बा, जी बुम्बा। ए, कौन हो तुम? बड़े चोर से चोरी करने वाला छोटा चोर बोल रहा हूँ। ए, 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 अब तेरा नाटक बहुत हो गया। मुझे अर्जेंटली 40 लाख रुपए की जरूरत है। कल सवेरे महात्मा गांधी रोड पर आकर ले लूंगा। मेरे आने की खबर सुनते ही तुम्हारे आदमियों को मेरे पीछे मत भेजना। तुम में से एक को भिखारी बनाकर खड़ा करो 40 लाख के साथ। तुम्हारी परेशानी क्या है बोलो, मैं एक साथ पूरा हिसाब करूं। मैं तुरंत नहीं बता सकता, हम अपने परेशानियों का सामना करते हैं। तुम सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों, मैं नहीं काटूंगा। ए, 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 तू क्या मुझे काटेगा? फोन रखने के 2-3 मिनट बाद तेरे गले में फांसी होगी। 9841068793793। सर ये तो मेरा फोन नंबर है। मेरी परेशानी को इंसान दूर नहीं कर सकता सर, भगवान ही कर सकता है। इसलिए मैं मंदिर गया था। वहाँ जाके हे गणपति, अरे मेरी बोझ हटा दो। ऐसा लगा बोझ कम हो गया है। आंखें खोलने पर मुझे पता चला कि मेरा सेलफोन खो गया है। गणपति बप्पा, हो रिया। वो कैसे दिखता है? सर मैं तो आंखें बंद किए भगवान से प्रार्थना कर रहा था और आप पूछते ही कौन है, कैसे दिखता है, एड्रेस क्या है। अरे क्या आप मुझ पर शक करते? मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो सड़कों पे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी मेरी। एमआई, ये बाबू भीख दे दो यार। अगर कोई करोड़पति वारिस हो तो एक दिन इसी तरह रोड पे खड़ा होना पड़ेगा। हेलो, क्या है? ध्यान से निशाना लगाना। पुरानी दुश्मनी को मन में रखते हुए मुझ पे गोली मत चलाना। डर मत यार, मेरा निशाना इतना भी बुरा नहीं है। कहाँ से आएगा, उसने कोई क्लू भी नहीं छोड़ा। अरे उस दिन तो पाताल से निकला और पैसे ले गया। अगर आज भी वहीं से आ जाए तो ठीक रहेगा। ये भी देख लेंगे। मैंने सोचा कि भीख मांगना कितना आसान काम है, लेकिन लगता है इसमें भी टेक्निक होनी चाहिए। बोलो मत, काम करो। जी, एक एक कोने में हमारा भी तैनात है, उस पर हम सबकी नजर है। अब की बार कैसे भी आए छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। जी मुझे वो जिंदा चाहिए किसी भी हालत में। ए माई, कुछ पैसे दे दो, तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे। नहीं देती लगता, बाल बच्चे नहीं है। भाजी ले लो। ए माई, ए बाबू, हरी हरी भाजी ले लो, भाजी ले लो। बीच रास्ते में मालिक। अरे बाप रे, मालिक। जब ये बेवकूफ मुझे पहचान गया, इसका मतलब मेरा मेकअप खराब हुआ है। मालिक। हाँ, अरे बाप रे, मालिक। मालिक, आपकी ये हालत कैसे हो गई? दे दो, दे दो। आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कौन है मालिक? मालिक, आहा, आपकी आंख को क्या हुआ? किसने फोड़ दी है आंखें? हेलो, ये बेवकूफ कहाँ से आ गया? अरे अरे, कान में मशीन लगी, कान से भी गए पहले हो गए। सुनो, अरे अरे, इसको जल्दी भगाओ यहाँ से। जल्दी में इस पागल पे गोली में चला देना है। पता नहीं वो किस देश में आएगा, और मुझे जी को जवाब भी देना है। इसे भगाओ जल्दी यहाँ से। ये कुछ नहीं करेगा, ये बेवकूफ है, थोड़ा पागल है। ये बेवकूफ है, थोड़ा पागल है। कौन पागल? सीधा देख कर जो आपसे बात कर रहा है मैं, या जो कहीं और देख के बात कर रहा है वो आप? मालिक, मैं आपको भीख मांगने नहीं दूंगा। मालिक, भीख मांगने नहीं दूंगा, चलिए आप मेरे साथ।
अरे उसे भगाओ जल्दी। अरे छोड़ो ना, वो आ जाएगा, छोड़ो ना। सुनूंगा मैं आपको, भीख मांगने नहीं दूंगा, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं भीख लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ यार, छोड़ ना तू मेरे को, छोड़। अरे ये क्या हो गया, मालिक भूखे प्यासे बड़बड़ा रहे हैं, क्या हो गया इन्हें? अरे क्या हो गया यार, मैं इसको भगाता हूं, जाने के लिए आपको खिलाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, चलिए मालिक चलिए। अरे उसे क्या बकवास कर रहा, मार के भगा उसको। मालिक आप हाथी की तरह मदमस्त थे, मलेरिया वाले मच्छर जैसे हो गए मालिक। ए मुंह बंद करो, चला जा। मैंने आपको मच्छर कहा सुनते ही कॉर्पोरेशन की गाड़ी भी आ गई मालिक, वो देखो। मैं आपको ये नहीं जाएगा, इसको मार दूंगा मालिक। मालिक मालिक मैं ये सब्जियां बेच कर भी आपको खिलाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, चलिए मालिक। मैं आपको भीख मांगने नहीं दूंगा मालिक, मेरे रहते आपको कोई तकलीफ नहीं होगी मालिक। क्या हो रहा है ये? चलिए मालिक, मालिक मैं आपके पैर पड़ता हूँ, चलिए मालिक। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया मालिक, मालिक ये क्या हुआ मालिक, मालिक चलिए मालिक, अरे यहाँ से चलिए। सर आपकी लुंगी किधर है? क्या मेरे 40 लाख रुपए चले गए और तू 40 रुपए की लुंगी की बात कर रहा है? क्या पकड़ उसे? मेरा सब कुछ तेरी वजह से चला गया। सब कुछ चला गया तभी तो आप भीख मांगने की हालत में आ गए मालिक। मेरा बॉस बेवजह मुझ पे शक करेगा, पहले ही मेरा सेल फोन चोरी हो चुका है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए मालिक, चला जा। हमारे आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, सब जगह हमारे आदमी उसको ढूंढ रहे हैं, इस बार वो जरूर पकड़ा जाएगा। वो मस्जिद में नहीं जा रहा है, वो क्रिश्चियन हो गया। वो कैसे? लगता है दौड़ते दौड़ते धर्म बदल लिया जी। बहुत अच्छी लग रही हो। चलो दुनिया बहुत दुखी है इसलिए मैंने भेष बदल लिया। मेरी तकलीफ तो कुछ नहीं है ना? उसके लिए अब समय नहीं है। तुम्हारे लिए करेला फ्राई बनाने के लिए, मच्छी करी सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस जा रही हूँ। तुम्हारे लिए घर का सारा काम कर रही हूँ। मैं पास हो गई हूँ, सुन रहे हो ना? तुम्हारे 100 माँ बाप के लिए मैं एक अच्छी बहू बनूंगी। मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई है, मुझे तुम पे विश्वास है। तुम मुझे धोखा मत देना। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो फिर किसे दोगे? तुम नहीं समझोगी, जरूरत भी नहीं है, छोड़ो ये सब। मैं नहीं छोड़ सकता, छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। डोंट लीव मी, तुम नहीं होगे तो आई विल डाई। अब मेरी जान तुम्हारे पास है। रियली? तब तो किस करो।
जीसस मुझे माफ करो। गंगाधर, सिंह राशि मूल नक्षत्र, आपके कुंडली गुरु शुक्र तीसरे स्थान पे है, शत्रु, इसलिए आपका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। अरे क्या बकता है, हमारा दुश्मन है वो, लेकिन सामने नहीं आता। वो पाताल से निकलता है, धुएं से निकलता है, जी की कुंडली देखकर मायावी को पकड़ने का कोई रास्ता है कि नहीं है ये बताओ। एक यज्ञ कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्या, पूरे घर में यज्ञ करेंगे, लेकिन यज्ञ से धुआं नहीं उठना चाहिए। यज्ञ को इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, उसके लिए कौन और कहां करे ये बहुत जरूरी है। अरे क्या बोलते हैं पंडित जी, एक तो हम इतनी मुश्किल में हैं, इनकी जान को कितना खतरा है, इनके खत्म होने पे यज्ञ। इस घर में अमावस के दिन साहब के सुपुत्र के हाथों एक महारुद्र यज्ञ करने से सभी परेशानी दूर हो जाएगी। चुप रहो, बहुत हो गया तुम्हारा। क्यों पंडित जी, आपको मुश्किल का हल निकालने बुलाया, आपने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी। अब क्या बात है? क्या बात है, ये 25 साल पहले का फ्लैशबैक है, अब तुम्हें क्या अलग से सुनाऊं? 25 साल के पहले फैक्ट्री में एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। समस्या खत्म नहीं हुई, जी ने गुस्से में आकर फैक्ट्री को ताला लगा दिया, इसलिए उन लोगों ने जी की पत्नी और बच्चों को जान से मार डाला। हर साल जी पत्नी और बच्चे के लिए यज्ञ करते हैं और पिंड देते हैं। तुम तो समुद्र में से 4 शंख उठाकर लाके फेंको और बच्चों को बुलाने के लिए कहोगे तो मैं कहाँ चलाऊंगा? ग्रह, काल और ज्योतिष सच है, बदल नहीं सकता, उनका बेटा जरूर जिंदा है। क्या कहा, कुंडली के हिसाब से उनका बेटा जिंदा है? ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से उनका बेटा जिंदा है। डॉलर के लिए ही मुझसे मिलने आया था, पर आपने उसे पिटवा दिया। जिस डॉलर ने हमें बेवकूफ बनाया, वही डॉलर अब हमें करोड़पति बनाएगा। अलादीन का फॉरेन गाड़ी में आना, अमीर होना, ये सब हमने झूठ समझा था, लेकिन वो सचमुच का करोड़पति है। गंगाधर उसे अपना बेटा बनाकर अपनाए, इससे पहले मैं उसे अपने घर का दामाद जरूर बनाऊंगा। पापा, अलादीन बहुत अच्छा है। बेटा चौंक गई, प्यार के महत्व को न समझने वाले जाहिल माता पिता के होने की वजह से तुम जैसी प्रेमिकाओं को अपने आशिक की फोटो को जलाकर उसे पीने का नसीब था, वो एक अलग टाइम था, अब बहुत चेंज हो गया है। प्रेम के महत्व को समझने वाले मेरे जैसे पेरेंट्स बहुत डेवलप कर गए हैं, इसलिए दामाद की फोटो को अगर मैं जलाकर पी जाऊं तो यही सही रहेगा। मालिक, उसके लिए आप इसे जलाकर पी रहे हैं, क्या हजम होगा? अरे जा, एक समय था जब मुझे प्यार शब्द ही नहीं पसता था,
अब जब वो पच गया तो ये क्यों नहीं पचेगा? बेटा कोई अच्छी कलर फोटो लाओ तो उसका टेस्ट अच्छा रहे। ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे इडली के बाद वड़ा का ऑर्डर दे रहे हो। पापा मालिक, इसका मतलब है आप अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हो गए? एग्जैक्टली। इसी को कहते टू इन वन इडली, आधा सांबर आधा चटनी। अरे बेवकूफ, चल खा बे। अबे लगता है तू चिल्लाकर पकड़वा देगा हमें। शायद ये मामा लोग हमारे अलाउद्दीन को ढूंढने आए हैं। वो तो घर पे नहीं है। हमको छोड़कर कहाँ चला गया? उस बेवकूफ से एड्रेस पूछ रहा है। तू उधर जाके एड्रेस दे दे। अरे बाप रे, उधर मत देख, हमारी ओर ही आ रहा है। मेरी चोरी के बारे में कुछ नहीं जानता, सब सच कह दो, आपकी कसम साहब। तुम्हारे धर्मकर्ता ने कह दिया तुम पर शक है, इसलिए अरेस्ट करना पड़ेगा। चल साहब, साहब मेरा विश्वास रखो। साहब साहब साहब, मैं आपके पांव पकड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए। 25 साल से पूजा कर रहे हैं, वो चोरी नहीं कर सकते। साहब छोड़ दीजिए। साहब 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 साहब, मैं जो कहता हूँ आप सुनिए, इनका कोई कसूर नहीं है। उन अमीर लोगों की बात सुनकर आप इनको परेशान मत कीजिए। सर ये तो बहुत शरीफ आदमी है। बस बस समझ गया। हमारा यकीन कीजिए साहब, ये चोरी नहीं कर सकते। साहब छोड़ दीजिए। सुनो तुम, अगर कुछ भी कहना है तो स्टेशन में आकर बोलो, वकील करो, कोर्ट में जाओ, ये सब कानून है, समझे क्या? अब कानून नहीं जानते साहब, सच कह रही हूँ, ये चोरी नहीं कर सकते साहब, ये चोरी नहीं कर सकते। तो फिर भगवान ही बचाएगा इसे। साहब सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता सच्ची में। नहीं नहीं साहब, अरे पुलिस मेरे पति को ले जा रही है, कोई बचाओ, कोई इन्हें बचाओ। जाकर छुड़ा के लाओ उसे। वकील से बात कर लिया, कल कोर्ट में केस आ जाएगा। हे भगवान, पुलिस वाले मेरे पति को ले गए, पता नहीं उनका क्या हाल करेंगे, वो निर्दोष है। हे भगवान, तुझे सबको बताना होगा कि मेरे पति ने गलती नहीं की, वरना मैं मेरे बच्चे तेरी मंदिर में जान दे देंगे। अगर तू जिंदा है तो मेरे पति को बचा लाऊंगा, वरना में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। तुम्हें जवाब देना होगा। ये अल्लाह कहाँ जा रहा है? क्या आप सांप के मुंह में हाथ डालेगा? गंगाधर एक बड़ा गुंडा है, अगर अब की बार फंस गया तो बस तुझे भगवान ही बचा सकता है। पहले हमें इंसान बनकर काम करना चाहिए, बाद में भगवान को बुलाएंगे। मुझे मूर्ति चाहिए, कम से कम आज के दिन। अपने आदमियों को ठीक से हिदायत देकर ध्यान से उस मूर्ति को ढूंढने को कहो, वरना क्या माता के मंदिर की मूर्ति मिली? अरे बाबा, मैं आज छोटे चोर से लेकर बड़े स्मगलर तक सबको पकड़कर पूछताछ कर रहा हूँ, कोई बताने को तैयार नहीं है। तुम एक घंटे के बाद मुझे फोन करना, समझे? एक एक मिनट जी की इज्जत जा रही है, इससे पहले कि उनका नाम बदनाम हो पता करो, हमारे किसी आदमी ने लिया होगा। हेलो, क्या तिरुचि से? मैं इंस्पेक्टर धन पानी बोल रहा हूँ, पहले उसे कस्टडी में लो और अच्छी तरह से धुलाई करो, बाद में फोन करो। हेलो कौन? हाँ एक आदमी ने मुंह खोला है। कौन? हाँ उसका नाम पता चल गया, अभी मैं उसकी बराबर खबर लेता हूँ, तुम निश्चिंत रहो। अरे रे रे, उसके और अपने जी का 36 आंकड़ा है, पोस्टर में उसका फोटो देखते ही जी टेंशन में आ जाते हैं। मैं किसी तरह उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? जी पहले मुस्लिम था, फिर क्रिश्चियन बन गया, और अब वो मूर्ति मांग रहा है। कानून के हिसाब से धर्म बदलना तो गलत बात है, लेकिन उसका पालन नहीं करता। अब वो बुद्ध बन जाए, बुद्धम शरणम गच्छामि कहने से पहले उसको पकड़ना होगा। स्वामी की मूर्ति लेकर पूरे शहर में गली गली घूमने को कहा है, वो कैसे आएगा, कहां से आएगा, भगवान ही जाने। किसी तरह आज वो पकड़ा जाए, मेरा मतलब आप खुद आए ना।
मैं ये बोल रहा था कि कभी न कभी तो पकड़ा ही जाएगा। अब मेरा मतलब है आप आए ना, इसलिए आज ही पकड़ा जाना चाहिए, आज ही। हे भगवान। देखिए ना सर, हमारी परेशानी से इनको क्या कितनी इज्जत दे रहे ना हमको, देखिए ना। अरे दूर रखो ना इनको। आइए सर, आइए जी। ये कोई शक्तिशाली देवता है, हम जो भी मांगेंगे मिलेगा। आप भी प्रार्थना करो सर। तेरे साथ कौन कौन है बता, नहीं तो यहीं पे मार डालूंगा। बोल। अरे अभी से क्या हुआ? लगता है मिर्गी का दौरा पड़ गया।
उस अल्ली बस्ती के पुजारी को बचाने के लिए उसने ऐसा किया है। उस बस्ती का देवता है एक अनाथ लड़का। उस चूहे को पकड़ के मेरे सामने लेकर आओ, समझे? पैसों का खेल है। ये क्या, अपनी लड़की को लेकर यहाँ क्यों आ रहा है? ठीक ठाक। अरे अरे अरे, तुम मेरे पैर क्यों पड़ते हो? तुम इतने बड़े पैसे वाले हो। पैसा तो हाथ का मैल है। मैं तो आपके बस्ती के बच्चे को मारने के पाप का प्रायश्चित ढूंढने आया हूँ। मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाइए। अरे बाप रे, अलाउद्दीन भी घर पर नहीं है, मैं कैसे रिश्ता मंजूर कर लूँ? चुप, घड़ी निकलने से पहले रिश्ता पक्का कीजिए, जल्दी कर रहे हैं। बताओ कहाँ है अंगूठा और चाकू, बोलो। कहाँ है? चिन्नास्वामी जी, बोलिए जी। मेरा विलन मिल गया, आकर देखो उसकी क्या हालत की है हमने। मैं भी आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, आपका बेटा मिल गया। क्या कह रहे हो? हाँ। इसको खत्म करके ये गंगाधर एक नया अवतार लेगा अपने वारिश के साथ। दुश्मन भी मिल गया, बेटा भी मिल गया, गंगाधर बहुत खुशकिस्मत है। चुप कर, इतने बड़े करोड़पति का संबंधी होने वाला किस्मत तो मेरी खुल गई है। हाँ, चल मेरे साथ। इसको यहीं दफना दो और उसकी बस्ती को जलाकर राख कर दो। Thank you.
वापस जाओ, कान खोल कर सुन लो, कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। हम तो मर गए हैं, जब तुम लोगों ने अलाउद्दीन को मारा तब भी हम लोग मर गए थे। सबको खत्म करके ही हम जाएंगे, खत्म करके ही हम जाएंगे। क्या देख रहा है तू? तुझे पता भी है तेरी असलियत क्या है? मेरा कोई विद्रोह नहीं कर सका, पर तुमने मेरा विरोध किया। इस गंगाधर का सबने कोशिश की, सब लोगों ने मिलकर कोशिश की, पुलिस ने, गुंडों ने, सबने कोशिश की, बड़े बड़े नेताओं ने, कोई मुझे पकड़ नहीं सका। पता है, तुझे देखने के लिए मैं जिंदा रहा। वो तुम नहीं समझोगे। नहीं, ए, तुम मेरा खून हो, तुम मेरे बेटे हो। मैं तो जानता भी नहीं था तू जिंदा है, और हर साल तेरे लिए तिथि करता था। ए, अब इस गंगाधर का नाम, गौरव, दौलत, सबका इकलौता वारिस तुम हो। तुम अब तो उस झोपड़ी, वहां के अनाथ बच्चे, वो बस्ती, सब भूल जाओ, सब गरीबी भूल जाओ। अब से किसी ने पूछा कि गंगाधर कौन है, तो ये दुनिया तुझे बताएगी। तेरा बेटा हूं ये जानने के बाद अपनाना चाहते हो? वो लोग नहीं जानते मैं कौन हूं, पर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। तुम उनको भूल जाने को कहते हो? तू सिंहासन पर बैठने वाला है, तुझे क्या जरूरत है उनके बीच जाकर रहे जो कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करते हैं,
गरीबी में मरते हैं। कुत्ते बहुत से बच्चों को जन्म देते हैं। जो मालिक उन्हें दूध बिस्कुट देता है वो उन्हीं का वफादार होता है। मैं भी उन लोगों के लिए एक सच्चा वफादार कुत्ता बनकर रहना चाहता हूं। मैं निकलता हूं, मुझे एक मदद चाहिए। मदद? क्या? अलाउद्दीन अनाथ है, इसलिए जाति धर्म से बढ़कर मैं सबका बेटा हूं। तुम मुझे अपना वारिस बताकर उनके पास से मुझे अलग मत करो। वो मेरे हैं और मैं उन सब का हूं। मैं उन सब के लिए जीना चाहता हूं। पुतली तू मेरी रे।